धान खरीदी में इस बार नए सिरे से नियम बने हैं जिसका फायदा किसानों को होगा। धान खरीदी को लेकर के 2500 रुपए का जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की थी उसके बाद अभी 1815 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा। 2500 रुपए का जो धान खरीदी उसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी, उसका पैसा जो है कमेटी के निर्णय के बाद दिएगा। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया है धान खरीदी को लेकर के उसके किसानों में कहीं कोई आक्रोश नहीं है। किसानों का ये मानना है कि सरकार ने वादा किया है तो देगी, भले 1815 रुपए अभी समर्थन मूल्य दे रही है लेकिन धान खरीदी में पहले दिन कोई आवक नहीं रही ज्यादा। लेकिन ये मानना है सोसाइटी के लोगों का कि अभी जल्दी से जल्द किसान कई जगह क्योंकि धान की कटाई नहीं हुई है तो जो धान की आवक है वो सोमवार मंगलवार से शुरू हो जाएगी और किसानों की बेहतरी के लिए सही समय पर उनका भुगतान भी हो जाएगा। धान खरीदी के नियम सरकार ने किसानों को फायदे के लिए बनाए हैं। पहली बार टोकन देने की व्यवस्था की है ताकि भीड़ न मचे और किसान सही समय पर अपनी धान अपना धान बेच सकें। बिलासपुर से एक रिपोर्टर शैलेंद्र।